दरगाह में आयोजित होने वाली कव्वाली प्रोग्राम के पोस्टर को लेकर विवाद छिड़ गया है। कांग्रेस नेताओं के साथ पोस्टर में भाजपा नेता की फोटो छपने पर भाजपा नेता ने इसे अपने खिलाफ साजिश बताकर आपत्ति जताई है। भाजपा नेता ने कहा कि विरोधी उनकी छवि खराब कर रहे हैं। भाजपा नेता सौरभ ताराचंद्र बाबरिया ने कहा कि उन्हें इस कव्वाली मुकाबले की जानकारी नहीं है, वो हिंदुत्व को मानते हैं और हिंदूवादी विचारधारा की राजनीति करते हैं। उनकी फोटो इस प्रोग्राम के पोस्टर में छापने के लिए उनसे कोई अनुमति नहीं ली गई। भाजपा नेता ने कहा कि उनके विरोधी उनकी लोकप्रियता से घबरा गए हैं, इसीलिए वो ऐसी ओछी राजनीति कर रहे हैं। उनकी इस हरकत का जवाब वो कानूनी और राजनीतिक दोनों ही तरीके से देंगे। ये फोटो में मुख्य अतिथि में मेरा नाम और फोटो चस्पा किया गया है और जिस प्रकार से ये कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बनाया है, इस कार्यक्रम में ना ही मुझे कार्यक्रम के पूर्व ना ही कार्यक्रम के बाद किसी इनमें आयोजक मंडल में किसी भी व्यक्ति ने मुझे फोन लगा के जानकारी नहीं दी गई है। तो मैं अभी विधिवत रूप से एक हफ्ते का और निश्चित रूप में इसमें जो भी व्यक्ति पाया जाता है कानूनी कार्रवाई करके उसको मैं सबके बीच में साझा करूँगा। ये षड्यंत्र यहाँ की लोग यहाँ की जनता बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी और आपने जो मेरा छवि दुर्मिल करने का काम किया है, कांग्रेस भयभीत होते जा रही है और आप भयभीत होते जाएंगे। इस तरीके के हटकंडे आपके द्वारा कितने ही कर दिए जाएं, आप केवल भयभीत होते रहिए, लेकिन हम आपको साझा करने का काम निश्चित करें। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रति माह 1,000 रूपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रूपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।